नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वर्ड फॉर्मेशन का हमने दो पार्ट करा दिया है, अब हम तीसरा पार्ट लाएंगे। तो दोस्तों, इसका वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 3 आ गया है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से इस वीडियो का जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को अभी सभी और बहुत ही जल्द सब्सक्राइब कर और साथ ही बेल आइकन को ही दबा दें। दोस्तों, बात करें इस चैप्टर की यानी कि वर्ड फॉर्मेशन की, तो दोस्तों इससे आपको जो है DRDO के एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, इसका ये पार्ट 3 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए और वीडियो में आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करें इस पार्ट 3 के, तो दोस्तों इसमें जो है आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि थोड़ा हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, जो कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी तक जो ने हमने आपको जब पार्ट 1 और पार्ट 2 करा है उससे काफ़ी हट कर है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पे वेन वेन होना चाहिए तो यहाँ पे एन छूट गया, तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हो कर है, वेन वी अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड्स इन, देखिए आपको जो एक लेट ये दे दिया गया है लेटर का वर्ड, ठीक है। और इसको कह रहा है इसको कि करेक्ट ऑर्डर वी गेट ए नेम ऑफ, जब आप इसको जो करेक्ट ऑर्डर में इसको कीजिएगा इस वाले वर्ड को, तो इससे आपको जो है एक नदी का नाम जो है यानी कि एक रिवर का नाम जो है आपको मिलेगा। और उसके बाद कह रहा है फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द नेम इज, और आपको बताना है कि लेफ्ट इसका जो है फिफ्थ लेटर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि लेफ्ट से। तो दोस्तों देखिए इससे जो क्या बन रहा है, कौन से नदी का नाम बन रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दे दिया गया है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ VRAKI, ये आपको जो है एक वर्ड, इससे दोस्तों पता है आपको कौन सा नदी का नाम बनेगा, इससे दोस्तों हमारा एक नदी का नाम बनेगा, उस नदी का नाम है दोस्तों कावेरी। देखिए के, ये के हो गया ये, उसके बाद ए, ये हो गया, उसके बाद आ जाएगा भी, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद आ जाएगा आर, और उसके बाद आ जाएगा हमारा आई। तो दोस्तों देखा आपने इससे कौन सा नदी का नाम बन रहा है, तो कावेरी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कावेरी नदी का नाम आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिख बता रहा हूँ, KAVERI और आई, ये कावेरी नदी का नाम आ गया। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द नेम इज, मतलब कि लेफ्ट से जो पांचवा जो वर्ड है उसका उसका आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पांचवा वर्ड है क्या, यहाँ पर देखिए कावेरी है, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड से आपको जो है पाँचवा वर्ड बताना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो दोस्तों देखा यहाँ पे फिफ्थ में क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है आर, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आर। देखा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। और ये दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन SSC का जो CGL का एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पर दोस्तों मैंने आपके लिए जो थोड़ा हार्ड सा भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या पता DRDO में आ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन उसमें क्या है। दोस्तों देखिए ये आपको जो है कि दे दिया गया है लेटर, ठीक है, ये आपको एक लेटर दे दिया गया है और बोल रहा है कि इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यहाँ पे बोल रहा है ना एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और उसको आपको जो है रीअरेंज करना है। और उसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म इज द आंसर, यानी कि जो इसमें से जो पहला लेटर होगा ना उसको जो आपको जो है आंसर बताना है कि वो पहला लेटर इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और उसके बाद दिया है इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म दी आंसर इज, अगर इससे जो है दोस्तों इस वाले से कोई वर्ड, मतलब इससे जो है कोई वर्ड नहीं बन पाता है तो आपको जो है आंसर क्या देना है, एक्स देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो वर्ड दिया है इसे देखते हैं कौन सा वर्ड बनेगा। देखिए वर्ड क्या दिया गया है, USCALA। तो दोस्तों देखिए इससे हमारा कौन सा वर्ड बनेगा, देखिए मैं आपको वर्ड बनाकर बता रहा हूँ। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, नहीं तो आपको जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप वहां से जाकर PDF को डाउनलोड करना। दोस्तों देखिए इससे कौन सा वर्ड बनेगा, इससे वर्ड बनेगा हमारा कैजुअल, जैसे देखिए फर्स्ट CA, उसके बाद S, उसके बाद U, उसके बाद A, उसके बाद फाइनली L, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमारा वर्ड क्या बना दोस्तों, हमारा वर्ड बना कैजुअल, ठीक है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर लिख, इससे हमारा वर्ड बना कैजुअल, CASUAL, ठीक है।
और अब दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि इसका जो फर्स्ट लेटर, तो दोस्तों इसका फर्स्ट लेटर क्या है जो फॉर्म हो रहा है, वो है फर्स्ट लेटर क्या है, सी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है यानी कि सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों कैजुअल में, सबसे पहले सी आएगा ना, और यहाँ पे क्या पूछा है द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि वो जो वर्ड बन रहा है उसका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, तो होगा हमारा सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। पहले देखिए ये आपको जो है एक वर्ड दे दिया गया है कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या पूछ रहा है इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन मीनिंगफुल वर्ड विथ, यानी कि क्या इसे संभव है कि इससे जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। ये जो वर्ड दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो भी कौन सा है, तो इसका जो है सेकेंड सिक्स नाइन्थ एंड ट्वेल्थ लेटर का। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको जो है टोटल जो है वो 12 लेटर मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कुल आपको जो 12 लेटर मिलेंगे, और इसे ये पूछ रहा है कि इससे जो क्या कोई एक वर्ड बन सकता है, यानी कि इसका जो सेकेंड लेटर है उसके बाद सिक्स लेटर है, नाइन लेटर है और ट्वेल्थ लेटर से क्या इससे कोई वर्ड बन सकता है। और उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दी लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब कि अगर कोई वर्ड बनता है तो इसका जो है लास्ट लेटर कौन सा होगा। और उसके बाद पूछ रहा है कि यदि आपको जो है वो यदि इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव एम, अगर एक से ज़्यादा वर्ड बनता है तो आपको आंसर क्या होगा, एम में देना है। यहाँ पे एक से ज़्यादा बनेगा तो एम देना है। और उसके बाद दोस्तों देखिए क्या रहा है एंड इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव एक्स एज दी आंसर, अगर कोई वर्ड ना बने तो आपको जो है आंसर एक्स में देना है, अगर एक से ज़्यादा वर्ड बने तो आपको आंसर देना है एम में। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा लेट पूछा है सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड में हमारा है ओ, पर लिख लेते हैं ओ। और उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया ओ, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है सिक्स, तो 1 2 3 4 5 6 आई हो गया सिक्स नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई। उसके बाद बोल रहा है नाइन्थ लेटर, ठीक है, तो नाइन्थ में कौन सा हो जाएगा 7 8 9, यहाँ पर हो जाएगा टी, टी यानी कि नाइन्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टी। और उसके बाद बोल रहा है 12 9 11 12 यानी कि एन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इससे क्या कोई एक वर्ड बन रहा है यहाँ पे ओ आई टी एन से। तो दोस्तों देखिए इससे जो है मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा वर्ड, इससे दोस्तों एक ही वर्ड बनेगा, और वो वर्ड कौन सा होगा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इससे एक वर्ड बनेगा इंटो, आई एन टी ओ, बन गया दोस्तों एक वर्ड इंटो। ठीक है, अब दोस्तों देखिए उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया है, उसके बाद ये कह रहा है कि विच ऑफ़ द फ्लोइंग विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मगर इससे अगर कोई एक वर्ड बनता है तो उसका लास्ट लेटर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक वर्ड तो बन गया ये, ठीक है, इसका लास्ट लेटर कौन सा है, लास्ट लेटर है ओ। तो दोस्तों देखिए इससे तो आप एक से तो ज़्यादा वर्ड इससे बनेगा नहीं, यानी कि एक ही बनेगा ना, तो इसका लास्ट लेटर आ गया हमारे पास यहाँ पे ओ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल के जो है ये क्वेश्चन है, और ये इस खास करके बैंकिंग में आते हैं और SSC CGL के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो है एक लेटर दे दिया गया है, ये एक जो है लेटर दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपको एक लेटर दे दिया गया है, और इसे बोल रहा है कि ये इससे जो है एक जो है वेजिटेबल का नाम जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म, यानी कि जो वर्ड बनेगा उसका लास्ट लेटर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखिए इससे कौन सा हमारा वेजिटेबल का नाम बनेगा इस वाले से, आइए हम बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए पी पी, उसके बाद लिख लीजिए यू यू, उसके बाद एम एम, और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे पी पम्प, उसके बाद हो जाएगा हमारा के, उसके बाद हो जाएगा हमारा आई, और लास्ट में हो जाएगा हमारा एन। तो दोस्तों देखा है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक जो है और नाम देखने को मिल रहा है, और दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक वेजिटेबल का नाम कौन सा बन रहा है, तो वो है दोस्तों पम्पकिन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पम्पकिन का एक नाम आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे
क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, यानी कि जिससे ये जिसे वर्ड का जो है जो एक वर्ड बनेगा ठीक है, तो इसका लास्ट लेटर क्या होगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देंगे एक वर्ड, तो ये तो एक वर्ड बन गया और इसमें लास्ट लेटर क्या है एन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए अब आ गए हम अपने मेन क्वेश्चन पर, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 10+2 लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है, दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली DRDO में आपसे जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए ये क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर ए सेट ऑफ वर्ड, यानी कि एक जो है वर्ड का सेट दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच कैन बी पुट बिफोर द सेट ऑफ द वर्ड ठीक है। इसके पूछ रहा है कि इसमें आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और ये आपको जितने भी यहाँ पे सेट के वर्ड दिए गए हैं वो मतलब इसके पहले आने चाहिए ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चूज द ऑप्शन विच कैन बी पुट बिफोर, यानी कि इसमें से जो है आपको जो ऑप्शन दिया गया है चार, इसमें से आपको जो है इसको यहाँ पे यानी कि सबसे पहले उसको पुट करना है और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई है, ऑप्शन नंबर ई को आप यहाँ पर ई और एन ठीक है रखिएगा तो कोई वर्ड बनेगा इनक्लोज नहीं बनेगा, उसके बाद इन मिस इनेबल इन काउंट मतलब ये तो वर्ड नहीं बनेगा दोस्तों ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आप जो क्लोज है क्लोज के आगे ई एन लगा दीजिएगा तो कोई वर्ड इनक्लोज तो हो गया, उसके बाद ई एन यहाँ पे लगा दीजिएगा तो इन मिस तो थोड़ी थोड़ी ना होता है इन मिस वर्ड ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या मतलब एक वर्ड क्या बनेगा दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये लगेगा ठीक है DIS, यानी कि यहाँ पे DIS को लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डिसक्लोज, डिसक्लोज यहाँ पे DIS को लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डिसमिस, यहाँ पर DIS को लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डिसेबल, और यहाँ पर DIS को लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही करना था कि इसके पहले जो है ये जो वर्ड दिया गया है ये इसके इसके पहले जो है आपको जो है इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को पुट करना है करना था और उसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनना था बनाना था। तो दोस्तों ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ठीक है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपको जो है सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, इसमें भी आपको जो है एक पहले जो यहाँ पे एक पहले इसमें ऑप्शन वाले में से एक को सेट को लगा कर चेक करना है कि यहाँ पे किससे जो है एक वर्ड बनता है या नहीं बनता है ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पर SAG लगाइएगा, यहाँ पर SA और जी लगाइएगा तो कुछ बना है सेक्सुअल, ये तो कोई वर्ड नहीं ना है दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें MOV, यानी कि MOV लगाइएगा तो इससे भी कोई वर्ड नहीं बना मोबसुल, ये कौन सा वर्ड है ठीक है, मतलब ये जो चारों है चारों के एक वर्ड बनना चाहिए ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर मैन लगाइएगा MAN तो बनेगा कोई मैनसूल मैनटेन मैनेबल, उसके बाद यहाँ क्या बनेगा मैनी मतलब ये भी नहीं बनेगा इससे भी, और इससे जो है एक जो है काफ़ी जो है वर्ड बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लगा दीजिए CAP तो ये बन जाएगा कैप्सूल, ये बन जाएगा कैप्टन, ये बन जाएगा कैपेबल और ये बन जाएगा केप ठीक है दोस्तों केप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें भी आपको जो सेम वही चीज़ करना है, यहाँ पे आपको एक लगा यहाँ पे ऑप्शन में से किसी एक को लगा कर चेक करना है कि इसमें से जो किससे एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इससे कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप RE को लगाइएगा ना ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं RE को दोस्तों, अगर आप यहाँ पर RE को पहले लगा दीजिएगा सब में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिमूव, और यहाँ पर RE को फर्स्ट में लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रीमार्क ठीक है दोस्तों, रीमार्क वर्ड बन जाएगा। और वैसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्वेस्ट के जगह पर यहाँ पे RE लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रिक्वेस्ट ठीक है दोस्तों। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे RE से एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों अब अभी तक हमने जितना किया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जो यहाँ पे यानी कि पहले यहाँ पे पुट किया था इन चारों ऑप्शन में से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए, पर दोस्तों यहाँ पे आपको जो बाद में करना है, यहाँ पे लिख रहा है ना पुट
पुट आफ्टर यानी कि इसके बाद करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे करना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ST है और यहाँ पे अगर आपको यहाँ बाद में पुट करना है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लें, यहाँ पे कोई वर्ड बनेगा ST और ई ऑप्शन नंबर में EIL, EIL, इससे तो कोई वर्ड बन ही नहीं रहा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इसे ये इस चारों में से कोई वर्ड नहीं बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में ST AR M, तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है हमारा क्या, स्टार्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो दोस्तों इनगार्म बन रहा है। दोस्तों इस ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं ना है। और उसका डैम से डेमार्म बनेगा, तो ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे ST AGE, ठीक है, इसे क्या बन गया हमारा, इससे हमारा बन गया स्टेज, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ENG की बात करें, तो ENGAGE, तो ये हो गया हमारा इंगेज, यानी कि ये दोनों वर्ड जो है मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, यहाँ पे डैम दिया गया है और ये है हमारा CAGE। दोस्तों डैम से हो जाएगा हमारा डाइमेज, DMAG और ई। और वैसे ही दोस्तों हमारा ये यहाँ ऑप्शन यहाँ पर लास्ट में दिया है सीव SEW, और यहाँ पे दिया गया AGE, और यहाँ पे AG लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देख लें अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसमें भी आपको सेम वही करना है, आपको यहाँ पर पुट आफ्टर यानी कि इसके बाद जो है आपको वर्ड को पुट करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर RE को लगाइएगा यहाँ पर, तो HR EE, ये तो कोई वर्ड नहीं ना हुआ दोस्तों। और वैसे ही आप CH को लगाइएगा, CHR EE, दोस्तों ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन H है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ, AR M, AR और M, इसे हमारा क्या वर्ड बन गया, हार्म। तो दोस्तों हार्म वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों CH दिया गया है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे C और H, तो ये हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम CH लगा दें तो ये हमारा चार चार में वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर F की बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पर FARM यानी कि फार्म बन जाएगा, FARM यानी कि फार्म वर्ड बन जा रहा है। तो दोस्तों ये तीनों वर्ड बन रहा है इससे, और इस लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, SWAR और M, यानी कि इससे भी वर्ड बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से एक मीनिंगफुल वर्ड बन जा रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विथ द लेटर, यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेटर दे दिया गया है, ठीक है। और इससे आपको जो है पूछ रहा है कि आप इससे जो है कितना मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है यूजिंग ईच लेटर, मतलब आपको जो एक लेटर को एक ही बार जो है वो यूज करना है, ठीक है। दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है दोस्तों, यहाँ साफ साफ गलत है। यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, इसको ना ही करें तो अच्छा रहेगा। पर दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कौन वर्ड बनेगा, यहाँ पे NWT और I दिया गया है, तो इससे हमारा जो है एक वर्ड बनेगा दोस्तों, यहाँ इससे हमारा एक वर्ड बन जाएगा ट्विन, TWIN, ठीक है दोस्तों, इससे हमारा ट्विन वर्ड बन जाएगा दोस्तों, इसे एक ही वर्ड बनेगा। पर दोस्तों हमसे जो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए हम चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इसी के बेस्ट पर ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए इससे हमारा जो है एक ये हमारा वर्ड दे दिए, लेटर दे दिया गया है, और इससे भी सेम आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और यहाँ पर साफ साफ कह रहा है यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, मतलब आप जो है एक लेटर को इसमें से एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर क्या लेटर दिया गया है, लेम,
LAME, इससे एक वर्ड बन जाएगा ना दोस्तों। देखिए इसे कौन सा एक वर्ड, एक से दो वर्ड बनेंगे दोस्तों। एक तो हमारा बनेगा मेल, MAL और E, और उसके बाद क्या बनेगा, ये लेम दिया गया है तो लेम भी हो जाएगा, LAME और E लेम, यानी कि इससे हमारे जो है दो वर्ड बन रहा है, तो दोस्तों इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों रही बात दोस्तों अगले चैप्टर की, दोस्तों अगला चैप्टर बहुत ही जल्द आएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर टाइम होगा तो मैं आपको जो है इसका जो प्रैक्टिस सेट भी दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अब अगर आप इसका जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।